नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टुडेज हेडलाइन में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। आज दो वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा करेंगे उन तमाम खबरों पर जिन्होंने ज्यादातर अखबारों में अपनी जगह बनाई है और आने वाले समय में भी यहां सुर्खियों में रहेगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण अनुराग पटेरिया जी और रमेश शर्मा जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है TNN में। पटेरिया जी, शुरुआत में आपसे, कौन सी वो 10 प्रमुख खबरें हैं जो दिन भर चर्चा का विषय रहेंगी? ऋतु जी, आज की जो सबसे बड़ी खबर है बहुत ही दर्दनाक खबर है। इंदौर में स्वच्छता के नाम पर, सफाई के नाम पर बुजुर्गों को जिस तरह से कचरा गाड़ियों भर के छिपका छोटा सा नगरीय क्षेत्र नदी के किनारे वहां पर फेंका गया, बहुत ही गलत बात है। मुझे लगता है टाइमली जो मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, जो उन्होंने अपना मानवीय चेहरा प्रस्तुत किया है, लेकिन अफसरों ने जिस तरह की घटिया हरकत की है वो अक्षम्य अपराध है। ऐसे लोगों को सिर्फ निलंबित करके अटैच नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। दूसरी मेरे लिहाज से बहुत बड़ी खबर है कि किसान आंदोलन की 40 खापों किसानों का गाजीपुर कूच कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी बड़ी खबर भोपाल की तरफ से है। भोपाल में गांजा तस्करों के ATM अकाउंट से पुलिस के कर्मचारियों ने 53,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस क्या लूट करने के लिए है? इनको सिर्फ सस्पेंड करके छोड़ दिया गया, मुझे लगता है इनको भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पुलिस काय के लिए, कस्टोडियन है हमारी रक्षक है, लेकिन डकैत की भूमिका में रहेगी तो मुझे लगता है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी अफसरों को भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, बहुत ही गलत बात है। फिर हनी ट्रैप मामले में पत्रिका में खबर है कि बिना इलेक्ट्रॉनिक सबूत शुरू किया जाए केस का ट्रायल, एक बड़ी बात है। और इसके अलावा शशि थरूर और पत्रकारों के खिलाफ, कुछ पत्रकारों के खिलाफ 7 केस होशंगाबाद में दर्ज किए गए हैं, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज को लेकर कई जाने माने पत्रकार हैं। एक 5वीं खबर है। छठवीं खबर है कि पुलिस कर्मचारियों को छुट्टियां लगभग मिलने ही वाली हैं, इसको भी पत्रकार ने काफी महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। फैमिली डे होगा यानी इनका हॉलीडे। 7वीं खबर है जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, 1 तारीख को हमारा बजट आएगा, उसके पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें हम चीन से ज्यादा गति से हमारी जो GDP बढ़ाई देगी, विकास दर ज्यादा होगी, 11% विकास दर हमारी रह सकती है, ये निर्मला सीतारमण ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में कहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, जागरण ने इसको फर्स्ट लीड के तौर पर ट्रीट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इस खबर को नव दुनिया ने भी पहले लीड के तौर पर रखा है। अगर 7वां या 8वां क्या है, आंकड़ा भूल रहा हूँ, नया इंडिया ने लिखा है किसान आंदोलन हुआ तेज। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह खापों के लोग पहुंच रहे हैं, 40 खापों के लोग पहुंच रहे हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन लग रहा था कि समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो तेज हो गया है। नया इंडिया की ही दूसरी खबर है, पूरा विपक्ष किसानों के साथ, ये बड़ा मामला है, ये भी एक बड़ी बात है। और एक और अखबार की बात कर लिया है, भास्कर पत्रिका की तो रोज बात करते हैं, मृदु भारतीय के इंदौर का अखबार है जो भोपाल से भी आता है, उसमें इंदौर की घटना को लेकर बहुत आलोचना की गई है। सबसे बड़ी बात है तो अवार्ड गंदे हैं, उन्होंने लिखा कि जिस तरह के अवार्ड आपको स्वच्छता में मिल रहे हैं वो बहुत ही गंदे हैं, जिस तरह से आप बुजुर्गों को कचरा गाड़ी में पटक कर फेंक रहे हैं, इसको ना मंजूर किया जाना चाहिए। इसराइल के दूतावास के समक्ष कल दिल्ली में एक माइल्ड इंटेंसिटी का विस्फोट हुआ, इसको लेकर एक बड़ा खतरनाक संकेत जाता है। इसराइल बहुत ही हाईली सिक्योरिटी जोन में है, अगर मैं भी उस इलाके में जा चुका हूं, आप परिंदा भी पड़ नहीं मार सकते, बाहर खड़ी गाड़ी में विस्फोट हुआ। इसके बाद में आज होम मिनिस्टर अमित शाह को दिल्ली जाना था, लेकिन उन्होंने अपना दिल्ली जाना टाल दिया है। और 9वीं या 10वीं खबर जो भी आप कहें, राष्ट्रपति का अभिभाषण तिरंगे और गणतंत्र दिवस का अपमान, दुर्भाग्यपूर्ण, राष्ट्रपति ने इसको इंडोर्स किया है। और 10वीं खबर के तौर पर देखें कि 20 लाख किसानों को सम्मान निधि का वितरण आज किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर उनके खातों में पैसा देंगे, काफी बड़ी राशि मुझे नजर आती है, एक अंदाज के मुताबिक 4 करोड़ रुपए के आसपास तक होगी, तो 4 करोड़। तो ये 10 खबरें ऐसी हैं जो जिनको लेकर चीजों में एक आपको पूरे दिन भर फोकस दिखाई देगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह सिंधु बॉर्डर में एक SHO पर, ASHO पर तलवार से हमला किया गया, बहुत ही गलत है। मुझे लगता है हथियारों का धर्म के नाम पर इस तरह प्रदर्शन और फिर उनसे हमला किया जाना बहुत ही गलत है, इन सारी चीजों को पूरे देश में प्रतिबंध लगना चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम वो खबरें हैं जो
आने वाले समय में भी चर्चा का विषय रहेंगे। ऐसे में रमेश शर्मा जी आपका रुख करूंगे, जिस तरह से पटेरिया सर ने यहाँ पर बताई है खबरें, और ऐसे में अगर शुरुआत यहाँ से की जाए कि पत्रिका की जो हेडलाइन है, कचरे को धन बनाने वाले इंदौर में इंसानियत का कचरा, वाकई में यहाँ इंसानियत शर्मसार हुई है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? निश्चित रूप से ये वाकई अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर है और एक आश्चर्यजनक खबर है। ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है, और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी ने जो समय पर संज्ञान लिया है, बहुत अच्छा संज्ञान लिया है, और ऐसे लोगों पर तो केवल कार्रवाई नहीं, उन पर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। मोटे तौर पर पूरी की पूरी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, वो सीनियर सिटीजन और खासतौर से बुजुर्गों के प्रति, और जो कमजोर बुजुर्ग हैं उनको सफाई की दृष्टि से, चूंकि वो सब चौराहे पर कुछ चीजें बेचते थे, कुछ भिक्षुक का भी काम करते थे, तो ऐसे लोगों को साफ सुथरा देखने की दृष्टि से उठा करके वहां लेकर के गए हैं। ये वाकई बहुत ही निंदनीय है। ये सर यहाँ पर किसान आंदोलन का अगर जिक्र किया जाए तो तमाम अखबारों में सुर्खियां बटोरी हुई है, और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में भी ये चर्चा का विषय रहेंगी, लेकिन किसान आंदोलन को अब किस तरह से देखा जाए कि आंदोलन अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब अगले अलग अलग राज्यों से यहाँ पर किसान जुटने लगे हैं और एकत्रित होने लगे हैं, और 40 खाप के किसान आज गाजीपुर कूच करेंगे। पहले दिन से लग रहा था, मेरी निजी राय है, सच क्या है वो तो भगवान जी जाने, कि इस ये आंदोलन किसानों के नाम पर कुछ लोगों का आंदोलन है, और वहां पर अगर आप देखेंगे तो अब किसान नहीं बचे हैं और नेता ही नेता हैं, राजनीतिक दल ऐसे नेता हैं जो मानते किसान हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत उनकी जमीन हो, तो जिस तरीके से तलवारें लहराई गई ये किसानों के काम नहीं हो सकते, जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ किसानों के काम नहीं हो सकते। हालांकि पहले चूंकि राजनीतिक दल पर्दे के पीछे थे, अब वो पर्दे के एकदम सामने, ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है, 17-18 वो सारे के सारे सामने आ रहे हैं। खुद जो हीरो के रूप में जो सामने आए हैं रेड टिकैत, वो खुद भी 2 चुनाव लड़ चुके हैं और राजनीतिक पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारा का सारा आंदोलन एक प्रकार से राजनीतिक आंदोलन है, सरकार को कमजोर करने का आंदोलन है। किसानों की अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन इस आंदोलन में अब किसान कम होंगे, जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि आंदोलन चलेगा, तो अभी ये मुझे अभी खत्म होने की इसकी संभावना नहीं दिख रही है। बिल्कुल आसार कम दिखाई दे रहे हैं जी, तभी है जब सरकार ताकत के साथ कदम उठाए जी। और पटेरी जी मैं आपका रुख करूंगी इसी पर, एक रिएक्शन जिस तरह से हम भी देख रहे हैं कि किसान आंदोलन में कैसे आप भीड़ लगातार एकजुट होती हुई नजर आ रही है, अलग अलग राज्यों से यहाँ किसान पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो विपक्ष का भी हमने यहाँ पर रुख देखा कि विपक्ष ने लगातार किसानों को साधने की कोशिश की कि वो भी किसान आंदोलन का समर्थन करें और आगे दिल्ली कूच करें या फिर सामने निकल कर आए, लेकिन उसका खासा असर देखने को नहीं मिला। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार किसानों को सौगात दे रहे हैं, क्या ये एक सौगात जो दी जा रही है, साधने की कोशिश की जा रही है किसानों को? मुझे लगता है साधने से ज्यादा उनके लोक कल्याण की कोशिश हो रही है। ये आंदोलन तो आज चालू हुआ है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह 23 मार्च 2000 को सत्ता में आ गए थे, उसके बाद डायरेक्टली किसानों के खाते में पैसा डाला जा रहा है। 4000 रुपए सालाना की एक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पैसा डाला जाता है, उसकी भी कई किस्तें मुझे लगता है 1 से लेकर 2 किस्तें तक खातों में डाली जा चुकी हैं। और दूसरी तरफ जो किसानों के अनुदान थे या उनके मुआवजे थे, उनको डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत सीधे उनके खातों में डाले गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है, कहना अलग बात होती है, करना अलग बात होती है। आंदोलन बहुत बाद में प्रारंभ हुआ, उसके पहले ही किसानों को खाते में काफी पैसा सुविधाएं डाली जा चुकी थी, इसलिए मध्य प्रदेश का किसान उतना आंदोलित नहीं है। आंदोलित हो सकते हैं, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आंदोलन का उतना असर नहीं हुआ जितना की कांग्रेस को या किसान नेताओं को अपेक्षित था। क्योंकि जब किसान का पेट भर रहा है, किसान के पास पैसा मिल रहा है, उसे खाद भी दे रहा है, अगर 6000 रुपए केंद्र से, 4000 रुपए मध्य प्रदेश, यानी 10000 रुपए साल अगर आपको मिल रहे हैं, तो खाद बीज आप कुछ हद तक तो खरीद ही सकते हैं, कुछ हद तक चीजों को अपना ठीक कर सकते हैं। दूसरी तरह पाला है, सूखा है, इसको लेकर भी आपको पैसा मिल रहा है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में समय रहते सरकार ने सचेत होते हुए कार्रवाई की, इसका नतीजा ये है कि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा। वैसे अन्य राज्यों में भी इसका असर नहीं है, महाराष्ट्र में असर नहीं है, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश में असर नहीं है, गुजरात में असर नहीं है, केरल में असर नहीं है, तमिलनाडु में असर नहीं है। असर होगा, ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल असर नहीं है, कुछ चीजें होंगी, लेकिन उतना व्यापक असर नहीं जितना कि पंजाब के किसानों में। शोध और अनुसंधान का विषय है कि आखिर पंजाब के किसान आंदोलित क्यों है, कि वास्तव में किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है। ऐसे में रमेश शर्मा जी एक खबर है
बेशक ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ध्यान यहां पर मैं आपका लाना चाहूंगी कि बिल्ली को परेशान करने पर युवक ने कुत्ते को गोली मारी। ये खबर कहीं ना कहीं खुद में बड़ी है इस दिशा में कि समाज की दिशा और दशा या मानसिक स्थिति किस तरफ जा रही है। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि वो उन्होंने बिल्ली पाली हुई थी और वो कुत्ता बिल्ली को तंग करता था तो उसकी गोली मार दी। और न केवल ये घटना है बल्कि आप अगर देखें तो जो देशी कुत्ते थे उनके खिलाफ जनमानस में पक्ष में कुछ उनके खिलाफ ही मानस है। नगर निगम भी उनको पकड़ कर ले जाएगी, लोग भी उनको डंडा मारेंगे। और विदेशी नस्ल को जो गुलामी में लोगों के दिमाग में बैठ गया था कि विदेशी भाषा अच्छी है, विदेशी लिबास अच्छा है, विदेशी कुत्ता अच्छा है, उस नाते विदेशी कुत्तों को पालना, उनको पलंग पे बिठा के खिलाना और देशी कुत्तों को इस तरीके से गोली मारना, मैं समझता हूँ इसमें सामाजिक विचार है, उसमें परिवर्तन आने की जरूरत है। सर, एक खबर पर और कमेंट चाहेंगे कि सरकार की नई नीति, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे शराब, होम डिलीवरी भी अब होगी। दिल्ली सरकार को अब पैसा मिल रहा है, बाकी सरकार की ज्यादातर चीजें घाटा है। एक तो उनको शराब से पैसा मिल रहा है और दूसरा डीजल पेट्रोल पर जो उन्होंने टैक्स लगा रखे हैं उसी से उसको फायदा हो रहा है। तो मोटे तौर पर उनकी कोशिश बराबर ये होगी कि शराब का भले ही बाजार समाज में कैसा माहौल हो लेकिन उसकी बिक्री बढ़े। इसलिए वो जो ठेकेदारों को ये सुविधा दे रहे हैं कि ऑनलाइन वो उसको बेच सकते हैं, उसके पीछे दो कारण और हो सकते हैं। क्योंकि इस समय प्रमुख बाजारों में दुकानें हैं तो प्रमुख बाजारों में दुकान होने के कारण शाम से जो भीड़ लगती है, महिलाओं का निकलना उसमें मुश्किल हो जाता है, सीनियर सिटीजन का निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो भीड़ दुकानों पर ना लगे इसके लिए सरकार ने एक रास्ता निकाला है। बिल्कुल, एक कमेंट और कि चेक इन के वक्त यहाँ कारतूस मिला एक युवक पर और युवक ने कहा कि दादाजी की आखिरी निशानी है, हमेशा मैं बैग में रखता हूँ इसे। देखिए, मोटे तौर पर अब ये उन्होंने कहा हुआ है कि इसको हमेशा रखता हूं, लेकिन अगर वो उसकी सूचना दे देते पहले या सूचना देकर के लेकर के जाते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने बुजुर्गों की निशानियां साथ रखते हैं और लेकर के चलते हैं, लेकिन उसकी क्योंकि अब कारतूस जैसा मामला था या बंदूक जैसी मामला है तो उसकी सूचना देनी ही चाहिए। निश्चित रूप से उस लड़के ने यह अपराध किया और बिना सूचना दिए ले गया। वो कह रहा है एक बुजुर्ग, ऐसी स्थिति में कोई आतंकी घटना हो सकती थी, कोई और काम हो सकता था, तो मोटे तौर पर ये उसकी गलती है। लेकिन ऋतु जी, अगर आप उस समय हो तो मैं दो तीन और अच्छी खबरों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उज्जैन से एक खबर आई है कि कलेक्टर ने एक बैंक में ताला डाला। ये वो बैंक है जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के उसके पास 114 आवेदन थे और उसने केवल 6 महीने में 2 ही 3 निपटाए। तो मोटे तौर पर सरकार की योजनाओं को किस तरीके से फेल करते हैं, ये एक अच्छी कार्रवाई ये उन्होंने दिखाई हुई है। तीसरी, भोपाल में देश का पहला ऐसा सेंटर बन रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चार्ज करेगा। मैं समझता हूँ ये खबर भी हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, इसको भी तारीफ की जाना चाहिए। एक खबर हमको नालंदा से मिली हुई, नालंदा की खबर छपी है, लगभग छोटी सी खबर छपी हुई है, उसने ये रिकॉर्ड बनाया है कोर्ट ने कि चाइल्ड रेप के मामले में उसने 9 दिन में सजा दे दी है व्यक्ति को, हालांकि उम्र कैद की सजा दी है। तो कहने का मतलब ये भी कुछ ऐसी खबरें हैं जिस पर काम होना चाहिए, ये बहुत छोटी छोटी खबरें हैं। तो इसके अलावा फरवरी से कोरोना का जो दूसरा लाट है वो चलेगा और मध्य प्रदेश सरकार एक पहल कर रही है किसानों के नाम पर, किसानों के लिए, कि आमतौर पर समर्थन मूल्य पर खरीदी केवल गेहूं की होती है लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उसका दायरा बढ़ाया है, अब वो चना की और मसूर की भी उसमें खरीदी करेंगे। ये हमारे कृषि मंत्री का बयान छपा है, ये भी एक अच्छी खबर है। और एक बड़ी चुटीली खबर कर्नाटक की है, बड़ी छोटी सी है, कि विधानसभा में एक विधायक जी असली वीडियो देख के पकड़े गए। हालांकि बाद में विधायक जी ने मीडिया को ये कहा कि जो कचरा था उसको साफ कर रहे थे उसमें वो वीडियो था। जो भी था, जनप्रतिनिधि अगर विधानसभा में बैठ करके अगर मोबाइल का कचरा साफ करेंगे या असली वीडियो देखेंगे तो इससे प्रजातंत्र का स्तर कहाँ होगा। ऋतु जी, ये एक खबर भी बड़ी छोटी सी छपी हुई है, ये देखने की एक खबर है। और एक खबर, कल उन्होंने जो हमला किया था, भारतीय सेना ने 3 आज आतंकवादियों को मारा है मुठभेड़ में, ये एक अच्छी खबर है। बिल्कुल, ये तमाम वो खबरें हैं सर। ऐसे में अगर यहाँ पर देखा जाए एक सकारात्मक सोच है और खबर भी ये पॉजिटिव है कि महिलाओं ने पहले श्रमदान किया फिर कबाड़ से जुगाड़ कर पार्क में छायादार पौधे रोप दिए। निश्चित रूप से ये वाकई अच्छी खबर है। और ये जो मीडिया को भी चाहिए कि जो सकारात्मक खबरें हैं उनको ज्यादा जोर दें। इस समय कुछ ऐसा चल ही रहा है कि नकारात्मक खबरों में थोड़ा सा मसाला लगा करके, जिसका जिक्र पटेलिया जी ने किया, मुकदमे दर्ज हो गए,
तो कुल मिलाकर के मीडिया को भी चाहिए जो सकारात्मक खबरें और अच्छी खबरें हैं उनको प्राथमिकता दे। जिस तरीके से जैसे आज का दिन भी अगर हम देखें तो आज का दिन शहीद दिवस के रूप में है, आज क्योंकि आज गांधी जी की हत्या हुई थी दिल्ली में, तो पूरा देश शहीद दिवस मनाएगा और श्रद्धांजलि सभा भी होगी, श्रद्धांजलि सभा के आयोजन भी रखे हुए हैं। और आज का दिन राणा संग्राम सिंह की स्मृति का भी दिन है, उनको आज के ही दिन किसी विश्वासघाती ने उनको जहर देकर के मारा था। राणा संग्राम सिंह वो योद्धा था जिन्होंने पश्चिम एशिया तक भारत का झंडा फहराया था। ये अलग बात है कि विश्वासघात के कारण वो खानवा के युद्ध में घायल हुए बाबर से, और उसके बाद विश्वासघाती ने उनको जहर देकर के मार डाला था। मैं समझता हूँ मीडिया को जो भारतीय गौरव की कुछ खबरें हैं, सकारात्मक खबरें हैं समाज की, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आप बिल्कुल सर, आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तमाम उन खबरों पर यहाँ चर्चा की गई है दो वरिष्ठ पत्रकारों से जो आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रह सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब ग्वालियर चंबल संभाग मालवा निमाड़ क्षेत्र के अखबार क्या कहते हैं उनके बारे में जानेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, भानु चौबे जी और टीएन मनीष जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है टीएनएन में। टीएन मनीष जी, शुरुआत में आपसे करूंगी, ग्वालियर चंबल संभाग की प्रमुख खबरें आपसे जानेंगे। देखिए, आज सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि लगातार जो मौसम का कहर है वो उत्तर में बर्फ से ढके पहाड़ों से टकरा के आ रही हवाओं ने बिल्कुल बिगाड़ के रखा हुआ है, और इसके चलते जो है 10 किलोमीटर की गति से ठिठुरी पूरा शहर ठिठुरा है, और घास पे ओस की जो बूंदे थी वो उसमें बर्फ जम गई है। इस हालत में सर्दी है, रात का तापमान लगातार गिर रहा है, और इसका असर अब हवाई यात्रा और रेल यात्रा दोनों में पड़ रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 18 ट्रेनें देरी से आई है। इसके अलावा दूसरी खबरों की बात करें तो 1 फरवरी से शहर के सभी 66 वार्डों में हर घर से कचरा उठाए जाने की खबर है। साथ में ही कोरोना को लेकर के खबर है कि 1300 से अधिक लोगों की जांच में 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी कि कहीं ना कहीं अब जो है कोरोना का कहर धीरे 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 अब खत्म हो रहा है। और वैक्सीन का जो मामला है उसको लेकर के खबर है कि बड़ी खबर यह है कि जिन वॉरियर्स ने फ्रंट लाइनर बन करके और इस पूरे मामले में उस समय साथ दिया था, बाबुओं की गड़बड़ी से अभी 2 दौर की वैक्सीनेशन में उन प्रमुख लोगों के नाम नहीं आए हैं। इसको लेकर के संजय गोयल जो कि स्वास्थ्य के प्रमुख हैं उनसे भी बात की गई है, तो उन्होंने अब ये ताकीद किया है कि अंचल के जो प्रमुख हैं यहाँ के सीएमएचओ और दूसरे अधिकारी उनको निर्देशित करके और इनको प्राथमिकता से वैक्सीनेशन के लिए आगे कराया जाएगा। बैजताल में कल से नाव चलने की बात है, यानी आज से नाव चलेगी, 3 फीट पानी भरा गया है। सौंदर्यीकरण की तरफ शहर बढ़ रहा है क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत जो लगातार काम चल रहे हैं उसमें ये मामला। दानावली में जो कल खबर हमने जिक्र किया था जिसमें बदमाश पकड़े गए थे, 31 जनवरी से इनको रिमांड पर लिया गया है। बदमाशों ने कबूल किया कि दतिया के 2 युवकों को ग्वालियर आने पर जान से मारने की इनकी योजना थी, और जेल में ही आपस में इन लोगों की मुलाकातें हुई और एक सी सोच के चलते इन्होंने गैंग बना ली थी। ऐसे एक युवक ने सितंबर में रजिस्ट्रेशन कराया था शादी के लिए साथी.com पर, और एक युवती से नकली तरीके से बात कराई गई। उसने इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए युवक से करीब 25,000 रुपए ठगे कोरोना के नाम पे, और बाद में उस युवती सहित किसी का भी कोई पता नहीं चला। जीवाजी यूनिवर्सिटी के 8 विभागों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का रास्ता साफ हुआ है। कार्यपरिषद की बैठक में प्रोफेसर उमेश होलानी को रेक्टर बना दिया गया है, और मेले पर हालांकि अभी तक ग्रहण लगा है। लगातार सब आला अधिकारियों और राजनेताओं की आश्वासन के बावजूद भी मेले का रास्ता साफ नहीं हो रहा, लेकिन शिल्प बाजार जरूर जो है 150 शिल्पियों के साथ में देश भर से जो आएंगे 1 फरवरी से 10 फरवरी तक के लिए लगाए जाने का रास्ता खुल गया है। इसके अलावा व्यापम कांड में बीटेक की छात्रा रही एसआई को सीबीआई ने आरोपी बनाया। उसने एक निर्मला नाम की परीक्षार्थी की जगह पीएमटी की एग्जाम दी थी। 2 कमरों में दाल बाजार इलाके में 3 चिटफंड कंपनी चलती मिली है। इसमें एसडीएम अनिल बनवारिया ने छापा डाला था प्रशासन के साथ जाकर के, और रकम दोगुना करने के नाम पे करीब 8 करोड़ रुपया जुटाया गया। यानी सरकार की इतनी सख्ती के बावजूद भी चिटफंड की जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आ रही है। बजट से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए 2,000 रुपए तक की अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी, और कारें जो है वो 31,000 तक और दोपहिया 900 रुपए तक महंगे हो गए हैं। इसके अलावा पुलिस और नगर निगम अमले की लापरवाही से
सड़कों पर जो कारोबार होने लगा उसमें 470 ठेले शहर के जो अलग अलग मुख्य बाजार हैं उसमें सड़कों को घेर चुके हैं। तो ट्रैफिक सुधार के लिए इनको वापस जो है हॉकर्स जोन में शिफ्ट किए जाने की कवायद की जाएगी। और किसान आंदोलन के समर्थन में आज उपवास रखा गया, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे किसानों का आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत के दिन फूलबाग पर सुबह 11 बजे सामूहिक उपवास किया जाएगा। अखिल भारतीय किसान संयुक्त समन्वय समिति का यह धरना जो है 29 दिन से चल रहा है। ठीक है सर, ये तो ग्वालियर चंबल संभाग के हुए। मालवा निमाड़ क्षेत्र के अखबार क्या कहते हैं, उनकी प्रमुख सुर्खियां क्या है, उसके बारे में जानेंगे भानु चौबे जी आपसे। कल इंदौर नगर निगम ने एक बड़ा शर्मसार कर देने वाला कांड किया। सड़कों के किनारों पे सो रहे बेसहारा बुजुर्गों को उठाकर जानवरों की तरह वैन में भरा और 20 किलोमीटर ले जाके सुबह 5 बजे ठंड में फेंक दिया और उनका सामान फेंक दिया। और जब किसी ने वायरल वीडियो किया तो उसको लीपापोती शुरू हो गई कमिश्नर की। आप याद कीजिए, लॉकडाउन में इनने गरीबों की सब्जी छीनी थी और उसके बाद मास्क के अधिकार दिए थे, मास्क के चालान के, तो लोगों के साथ बड़ी बदतमीजी की थी। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी बेलगाम होते जा रहे हैं इंदौर में। किसानों के धरने की बात है, आम जनता से टकराव हो रहे हैं। इंदौर में चौथा दिन भी बहुत ठंडा रहा और विकास दर 11% होने वाली है, अच्छी खबर है ये। और भाजपा कार्यकारिणी की बैठक इंदौर में है आज से। शहर का सबसे पुराना सरवटे बस स्टैंड जून 20 तक बन जाना था, अब मार्च तक की मियाद बढ़ाई है, देखिए कब तक बनता है। और सनावदिया गांव है इंदौर जिले में, वहां सरकारी जमीन बेच दी और मकान बना लिए और सरकार सोती रही। इसके अलावा लोन नहीं देने पे उज्जैन में एक्सिस बैंक की शाखा कलेक्टर ने सील कर दी है। ये लोन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में दिया जाना था। और इसके जिला सहकारी बैंक के बंद करने की तैयारी हो रही है, ये प्रदेश की खबर है। सागर जिले में विद्यासागर जी ने चरखा और करघा का गांधी जी के सपने को साकार करना चाहा था, वहां वो रोजगार का साधन बन गया है, काफी प्रगति हुई उसमें। इसके अलावा एक खबर भास्कर ने अच्छी छापी है, बड़ी खबर है। सरकार ऑनलाइन ऑर्डर शराब के की तैयारी कर रही है, होम डिलीवरी होगी जैसे और चीजें ऑनलाइन आती हैं। यही खास खबरें हैं ऋतु जी आज यहाँ हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ग्वालियर चंबल संभाग और मालवा निमाड़ क्षेत्र के अखबार क्या कहते हैं, उसके बारे में दो वरिष्ठ पत्रकारों ने भी बताया, हमारे साथ जुड़े थे। और ऐसे में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए जेएनएन के साथ। नमस्कार।